Hi everyone, and welcome to Dr. Ashwini Garg. And we are here because we are going to discuss a very, very important topic today: type 2 diabetes. India has emerged as the type 2 diabetes capital of the world, and it's an honor and privilege to welcome Dr. Garg, who is not just an MBBS doctor, but he has gone on to study a very interesting new approach to medicine, which is called functional medicine. तो वो फंक्शनल मेडिसिन यूनिवर्सिटी यूएसए से भी क्वालिफाइड है। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट ऑल आर फ्रेंड्स इन द साउथ टू बेयर विद अस अ लिटिल बिट टुडे, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, बट वील ट्राई टू कीप द लैंग्वेज सिंपल, जितना सरल हो सकेगा वैसे हम जो कॉमन मैन को समझ में आए उस प्रकार की हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके हम यूज़ करेंगे। तो डॉक्टर साहब, वेलकम वेरी मच एंड सो हैप्पी टू हैव यू विद अस। थैंक यू महेश जी, थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। लोग कहते हैं आजकल कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो जाती है, क्या आप मानते हो कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सिबल है? हाँ सर, 100% इट इज पॉसिबल। सो वी हैव टू लुक एट द व्हाई डू वी गेट इन टू द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस। अंडर फंक्शनल मेडिसिन वी लुक एट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ टाइप 2 डायबिटीज सिंपली अ लाइफस्टाइल डिजीज। इफ यू ईट मोर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मल्टीपल मील्स विद रिफाइंड शुगर्स और कार्ब, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन ब्लड शुगर। सब्सिक्वेंटली अपना इंसुलिन विल इंक्रीज जस्ट टू ब्रिंग डाउन द शुगर लेवल्स डाउन। इवेंचुअली वॉट हैपन्स, वी गेट इन टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। बट अनफॉर्चुनेटली टूडे अपना मेडिकल प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, डॉक्टर सिंपली गिविंग ड्रग्स टू इंक्रीज फर्दर इंसुलिन, जो अल्टीमेटली प्रॉब्लम को फर्दर सीवियर बना देता है। ओके, सो अपने को रूट कॉज से ट्रीट करने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना पड़ेगा। बहुत इंसुलिन बहुत रेजिस्टेंस, जी जी यस जी आई गेट इट डॉक्टर साहब। अक्सर हमारे पास जो सिपालिका में भी पेशेंट्स आते हैं, वी गिव देम दिस एग्जाम्पल कि कभी अगर आप टोक्यो के रश आवर में, आप टोक्यो के सबवे में खड़े हो जाएं, तो एक ट्रेन आती है जिसमें लोग खचाखच पहले से भरे होते हैं, यानी कि वो आपके सेल्स हैं जिसके अंदर पहले से चीनी है, और प्लेटफॉर्म पे और पैसेंजर खड़े हैं जो कि अगला चीनी है जो आपने उस मील में खाया है। जब वो ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं उतरता कोई नहीं है, लेकिन अंदर धक्का मारना पड़ता है पैसेंजरों को, एंड दैट इज डन बाय दीज पीपल हु आर कॉल्ड ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, और वो और जोर से धक्का मार देते हैं। यानी आप ये कह रहे हो कि जो चीनी प्लेटफॉर्म पे है उसे धक्का मारने वाली दवाइयां देके डॉक्टर और ज्यादा चीनी आपके सेल्स में भर देते हैं, और इसी से फिर आपको लगता है कि आपकी ब्लड शुगर कम हो गई, लेकिन रियल में आपके सेल नष्ट हुए जा रहे हैं क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा चीनी आ गया है। बिल्कुल सर। एंड फेयरली टाइप टू डायबिटीज में वी हैव अ एक्टिव पैनक्रियास, लेकिन विद द ओवर यूज द ड्रग्स इवेंचुअली पैनक्रियास का विदरिंग ऑफ हो जाता है एंड इट बिकम्स टाइप 1 डायबिटीज। ओहो तो टाइप 2 डायबिटीज इज रिवर्सिबल कंडीशन इफ वी स्टार्ट चेंजिंग अवर लाइफस्टाइल। लेकिन अगर हम ड्रग का ओवरडोजिंग करते रहेंगे एंड देन इवेंचुअली पीपल आर पुट ऑन टू इंसुलिन आल्सो विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि उनका पैनक्रियास का प्रोडक्शन है कि नहीं है, दे सिंपली गिवन ड्रग्स बेस्ड ऑन द ब्लड शुगर लेवल्स, तो बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो अगर हम उनका ब्लड इंसुलिन चेक कर लें, देख लें कि पैनक्रियास काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इंसुलिन का सेंसिटिविटी को बढ़ाने का कोशिश करें जिसके कारण प्रॉब्लम चला जाएगा। बहुत बढ़िया। यानी कि डॉक्टर साहब, इसका फिर सोल्यूशन फिर क्या निकला कि क्या करने से, लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना होगा जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाए और डायबिटीज चली जाए? हाँ सर, एक तो लाइफस्टाइल चेंज, खाना क्या खाना है। अगर हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खा लेंगे लाइक व्हीट, व्हाइट राइस और जितने प्रोसेस चीजें मिल रही हैं जो नेचर ने ही नहीं बनाई है, ह्यूमन ने बनाई है, उससे क्या होगा, बहुत जल्दी इंटेस्टाइन से ब्लड शुगर एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड शुगर स्पाइक होता है। जितना स्पाइकिंग होगा उतना प्रॉब्लम आएगा। सो वी हैव टू ईट फूड्स विच आर नॉन हाइब्रिडाइज्ड और वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो नेचर ने बनाए हैं, तो वो इंटेस्टाइन से स्लोली एब्जॉर्ब होगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा उसके चक्कर में और रेजिस्टेंस नहीं आएगा और प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं। और अगर किसी को प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल चेंज करने से प्रॉब्लम भी चला जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और हमने ये देखा है, आई एम श्योर यू हैव सीन इट इन योर प्रैक्टिस एज वेल। सिपालिका में जो पेशेंट्स आते हैं, अक्सर हमारे पास वेट लॉस के लिए लोग आते हैं, और हम जब उनसे कहते हैं कि आप अपनी जो ग्रेन कार्ब्स हैं उसे कम कर दीजिए, यानी कि अगर आप 4 रोटी खाने वाले हो आपने 2 रोटी खाना है, और आप सब्जियां अपनी बढ़ा दो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है,
तो अपने आप वेट लॉस के साथ उनकी जो प्री डायबिटीज होती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस उनके लैब में निकलता है वो अपने आप से चला जाता है। यानी कि इट इज अ नेचुरल प्रोसेस वेयर इफ यू जस्ट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स दैट यू ईट एंड इंक्रीज द वेजिटेबल्स, इंक्रीज प्रोटीन्स एंड इंक्रीज गुड फैट्स, देन वी फाइंड दैट डायबिटीज इज रिवर्सिबल। हैव यू हैड एक्चुअल पेशेंट्स जहां कोई डायबिटीज की दवा ले रहा था और आपने उसकी लाइफस्टाइल चेंज करी और उससे उसका डायबिटीज रिवर्स हो गया हो? बिल्कुल सर, भी डे इन डे आउट भी वो तो हम देख ही रहे हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि 3 मील खाते हैं, हम उसको 2 मील में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। उसके कारण उसका जो स्पाइकिंग ऑफ शुगर लेवल से डिक्रीज हो जाता है, इंसुलिन का ठीक आ जाता है। सो एक जैसा पेशेंट इन मुंबई, उसका 7.2 था वेन दे केम HbA1c जब हमारे पास आए, तो विद इन अ मंथ पीरियड उनका ब्लड शुगर ठीक आने लग गया। एंड ऑफकोर्स HbA1c 3 मंथ में हम चेक कर लेते हैं, तो इट वॉज बिलो 6.2। बट डॉक्टर ओके साहब ये भी कहते हैं, हमारे जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं डायबिटोलॉजिस्ट, वो कहते हैं तुम अपना खाना एकदम रेगुलर रखना, 6 टाइम्स अ डे तुम्हें खाना है और साथ में दवाई लेनी है, तो क्या डायबिटीज वाले रियल में फास्ट 2 मील में जी सकते हैं? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो ये तो परमानेंट डिजीज है नहीं, ओके okay? हमने उसको डाइट को चेंज कर दिया। इट इज जितना हम शुगर लेंगे, कार्ब्स लेंगे, उतना अपना ब्लड शुगर बढ़ेगा। सो इट्स नॉट कि लाइफ ऐसा ही रहेगा। द मूवमेंट वी स्टॉप टेकिंग कार्ब्स, इंसुलिन शुगर बढ़ना बंद हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगा, एंड वी आर डिजीज फ्री। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, कि लोगों को डिजीज फ्री करें रादर देन दे बीइंग डिजीज ऑल द टाइम। एंड वी फाइंड डॉक्टर साहब अगेन, यू नो, व्हेन वी ऑल्सो डू द सेम एक्सपीरियंस, जब हम 3 मील को भी 3 मील को के बीच में गैप देना शुरू करते हैं, जैसे हम लोगों से कहते हैं कि रात को अगर 8 बजे आपने खाया तो अगले सवेरे 8 बजे के पहले ना खाएं, जो 12 घंटे का जो इंटरवल होता है उसमें शरीर फोर्स्ड हो जाता है कि अपनी ही फैट को, वो स्टोर्ड एनर्जी को खाए, और इसके वजह से उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, लोगों का मोटापा घटता है, और साथ में जो चीनी है जो उनके खून में चाशनी बन के जो दौड़ रहा है वो पूरी तरह से खप जाता है। यानी कि पहले जैसे एक्सरसाइज तो रहा नहीं हम लोगों का। तो अगर आपको आराम के साथ भी डायबिटीज को निकालना है तो उसमें भी फास्टिंग काम आता है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड ये हमारे रिलीजन में भी जोड़ दिया गया है ना सर? नो मैटर वेयर यू सी इन इंडिया, चाहे वो विंध्याचल के उस पार हो, इस पार हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, हर जगह हमारे पास एकादशी का व्रत है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे दे न्यू द वैल्यू, कि खाने का जितना वैल्यू है उतना ही भूखा रहने का भी वैल्यू है। अभी सर, अभी तो एक डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला है कि फास्टिंग से रिजेनरेशन होता है बॉडी में। तो वी ऑलवेज न्यू एज ए इंडियन कल्चर, ठीक है, आज वेस्ट ने उसको रिकग्नाइज कर लिया, विच इज गुड थिंग फॉर अस। तो सर ये क्या कोई अपने आप करे या अंडर सुपरविजन करे, स्पेशली दोज ऑन मेडिकेशंस? आई थिंक जो लोग मेडिकेशन पे हैं इनिशियली दे नीड द सपोर्ट फ्रॉम अ क्वालिफाइड पर्सन, इवेंचुअली इट कैन बिकम पार्ट ऑफ देयर लाइफ। और एक सवाल था डॉक्टर साहब, कि अक्सर जैसी डायबिटीज डिटेक्ट होती है डॉक्टर ये सलाह आपको देते हैं कि घी तेल एकदम बंद कर दो, ये घी तेल के बारे में आपका क्या राय है? अच्छा, हाई क्वालिटी फैट बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर। एवरी सेल इज हैज अ सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड ऑफ लिपोप्रोटीन, उसमें लिपिड होना ही है। अगर हाई क्वालिटी लिपिड नहीं रहेगा तो सेल से सेल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। घी हाई क्वालिटी में ब्यूटेरेट रहता है जो इंसुलिन प्रोडक्शन इन पेनक्रियाज से उसको देखता है कि कैसे होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा ब्यूटेरेट, दैट इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम दैट वी स्टेप इनटू। सो इट्स नॉट कि अपने को सिर्फ शुगर लेवल्स को देखना है, पूरा बॉडी को ही अपने को मैनेज करना है हेल्दियर वे में। अपना गट को हेल्दी होना चाहिए, गट में अच्छा बैक्टीरिया होना चाहिए। अभी तो स्टडीज आ रहा है, इफ यू डोंट हैव डाइवर्स बैक्टीरिया इन आर गट वी ऑल्सो गेट डायबिटीज। अ डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन लीड अस टू प्रॉब्लम्स। ओके, जी, तो अगर न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी है, डेफिसिट ऑन क्रोमियम, डेफिसिट ऑन सिलेनियम, डेफिसिट ऑन बी कॉम्प्लेक्स, दैट कैन ऑल्सो लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो बैक्टीरिया का कमी इन द गट, न्यूट्रिशन का कमी इन द ब्लड, और अगर हाई कार्ब्स इन द डाइट, दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर हम ये रूट कॉज को एड्रेस कर लें, इवेंचुअली वी कैन गो डायबिटीज फ्री। यानी कि दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ मॉडर्न वर्जन ऑफ व्हाट आयुर्वेदा हैज ऑलवेज सेड। आयुर्वेद कहता है कि आहार और विहार, इन दोनों चीजों से हर पूरा हेल्थ जो है डिफाइन होता है। उसी को आज आप एज एन MBBS डॉक्टर विद अ फंक्शनल मेडिसिन ट्रेनिंग, आप इसको विद साइंटिफिक एविडेंस प्रूव कर रहे हो।
When we work with patients, चाहे आपके private practice में हो, चाहे through सेपालिका हो, we find that when we give them these basic principles कि चार रोटी की जगह दो रोटी, लेकिन दोनों तरफ घी लगा के, जैसे आपके दादाजी खाते थे, बस फर्क ये है कि दादाजी हो सकता है चार रोटी खाते थे, फिर खेत में काम करते थे तो उनका खप जाता था, आप कंप्यूटर के सामने सारा दिन बैठते हो तो आपके लिए दो रोटी बहुत है। एंड यू अच्छा ऐड द करेक्ट मिनरल्स, जो आपने क्रोमियम मेंशन किया, मैग्नीशियम मेंशन किया, B12 मेंशन किया, ये सारी चीजें एक टाइम हमें खाने से ही नेचुरली मिल जाया करती थी, लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड यूज एंड बिकॉज ऑफ यूज ऑफ केमिकल्स, ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे खाने के थ्रू नेचुरली नहीं मिलती। तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़े जिससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाए, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक खाना शुरू कर दें, लोकल खाना शुरू कर दें, बढ़िया से बढ़िया ताज़ा ताज़ी जो चीज़ें हैं, जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, वो खाने शुरू कर दें, तो यू कैन एक्चुअली रिवर्स Type 2 डायबिटीज। एक्चुअली सर हमारा वही गोल रहता है इनिशियली टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स एंड बीमारी से बाहर निकालने के लिए वी नीड टू गिव देम सप्लीमेंटेशन। अल्टीमेटली इफ दे आर ऑन ऑर्गेनिक डाइट एंड दे हैव अ डाइवर्स ऑल दिस ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजीज हैव देयर ओन काइंड ऑफ बैक्टीरिया। व्हेन वी टेक देम इन द रॉ फॉर्म वी गेट लॉट ऑफ डाइवर्स बैक्टीरिया इनटू आवर गट एंड बैक्टीरिया आर अ मेजर रोल प्ले इन टू आर हेल्थ सिस्टम। अगर अपना बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। तो जितना ऑर्गेनिक खाएंगे, जितना पेस्टिसाइड फ्री खाएंगे, अपना गट हेल्दी रहेगा एंड वी विल बी डिजीज फ्री। Fantastic. I think that's a wonderful message to end on, Dr. Saab. Thank you so much for your time. I think that this is a very important message and we're going to continue with this in a series as well, जिससे लोगों को पता चले कि ये लाइफ लॉन्ग बीमारी नहीं है। डायबिटीज अगर आपकी हो गई तो ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर दवा खानी है, जिंदगी भर आपको बचते बचाते डरते डराते आपको जीना है। यू कैन एक्चुअली रिवर्स द डिजीज कंप्लीटली एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वील ज्वाइन यू अगेन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।